आपकी कृपा है जो याद कर लेते हैं। सारे प्रकार नहीं निकल पाता, आज भेजते भी है पत्रिका, पता नहीं हमारे ना सर पत्रिका तो बराबर निकल रही है, छपा हुआ है, पन्ने हुआ है। कल परसों जो कोरोना में केवल ये काम नहीं छपा था, बाकी लगातार छप रहे हैं। अभी अभी मोबाइल द्वारा सब संदेह मिलता रहता है, तो शायद अत्यधिक हो गया। नहीं 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 ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि मोबाइल से पत्रिका पढ़ सकते हो कहीं भी दुनिया में। आपकी व्याख्या एकदम दिल को फिट कर देता है। जो है यहाँ पर व्याख्या बाजा माया है, उनको कई बार सुन और कृपा है। अभी हम क्या कर सकते हैं, सब आप लोगों ने दिया है वही है, हमारे पास से कुछ नहीं है, सब उधारी का है हमारा। बड़ी हौसला हो गया कि साहब के रहते रहते उनका खजाना अपने पास रख ली, और वो खजाना जितने होता रहता है। क्या पूछना है आपके, बार बार धन्यवाद कहूँ कि और कुछ बस कृपा बना रखिएगा, कृपा चाहिए। बड़ा परिश्रम से आना पड़ता है, बढ़ाना बड़ा अलग थलग पड़ जाता है जी जी, लेकिन तो क्या किया जाए। एक जमाना वही था, हाँ जब एक जमाना था कि ये चमक रहा था, एक जमाना था जी। आपको आना था जी, हाँ गौरा चौकी में चले, हाँ पैदल आया था एकदम एकदम वो धूप में बैसाख का महीना, बैसाख पूर्णिमा पैदल आया था, पैदल आया बता के थे घर से साइकिल वाले मिल गया। तो हम सोचे मैं दो बजे दो ढाई बजे आया था दोपहर में, हम सोचे जी हमारे हैं घर में तो हमको तैयार करेंगे सारा आश्रम के सब लोग हमारे ध्यान में बैठते हैं, तो 5 मिनट इलाहाबाद बैठ लीजिए। अच्छा सर छपिया करें जी जी, अच्छा कहे तो यहाँ बगल में थोड़ा सा बगल में ही है नहीं, अच्छा तो सत्य के बार घूम लेते हैं, ठीक करा जी, देखने लायक है। हाँ हाँ, और जो मिलते हैं लोग बड़े प्रेम से जाते हैं जी जी, वीडियो में ऐसा पकड़े पकड़े को सत्यन साहब भी आए हैं, और साथ साथ में कृपा साहब साहब भी हैं। अच्छा अच्छा, ये बगल ये सामने खड़े हैं गुरुशैन साहब जी खड़े हैं, हाँ आइए। अच्छा ये गुरुशैन साहब हैं, अरे इनका तो पंखा चलता रहता है। अभी कल हुए ये मंगल हमको दिए थे, अभी तक काम ले रहा हूँ, तो सोचा कि गुरुशैन दास को फिर कह दे मंगल में दूसरा ये सत्येंद्र साहब हैं, सत्येंद्र साहब, अरे सत्येंद्र साहब, अरे ओ हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, बहुत कृपा सबकी, हम तो कौन लायक रहे ना यार, लायक आप ही है साहब, हम लोग तो साहब जी ये है कृपा साहब होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, साहब जी हमारे हमारे खास नज़दीकी नज़दीकी पहुँच गए हैं, और धानीपुर जाने की व्यवस्था नहीं जी, मैं बीमार साहब को रहते हुए सोचा जाऊँ, लेकिन तबीयत बहुत ख़राब जी, साहब कह रहा वो टिट्टी हो जाए और कहीं आगे सूझ नहीं पड़ा। हेलो, तो सोचा कि ऐसे अवस्था आप दुखी, आप दुखी दूसरा दुखी और क्या लाभ है, ये सब सोचते हुए मैं नहीं पहुंच पाया। तब मजबूरी हो जाती है सर, जब तक शरीर साथ में देता है तब तक तो कुछ दिक्कत हो जाती है। सत्येंद्र साहब भी आ गए, बहुत अच्छा हो गया, एक बार गुरु जी के साथ बहुत दिन हो गया है, करीब 30 साल से आपकी ये जो मैं करीब 90 पहले की बात है, आश्रम का कार्यभार
बहुत बढ़िया चल रहा था जी, कोई दिक्कत नहीं है। पूछताछ के हृदय से तीन देख लेता हूँ तो बाहर की व्यवस्था है जी जी। सत्येंद्र साहब भी बहुत दिन हुआ, हाँ कह रहे हैं कि लगभग 30 साल हो गया करते होंगे। हाँ साहब रहेंगे उसके बहुत पहले जी, हम आए थे साहब बीच में मोटरसाइकिल से। हाँ हाँ बहुत भंडारे भेजे कह रहा था कि धर्म प्रकाश भैया भंडारा के यहाँ पर कहीं पर कोई जगह नहीं लगा नहीं अग्नि लगा सब तो अच्छा बागेश्वर भी रहे हैं जी। नहीं ना ना कोई कष्ट नहीं है, खुशी हुई है आने के आगे, लेकिन आना जरूरी है जी जी, बहुत जरूरी है। मैं आप सब जो आए हैं सबका नाम लेते हुए काका है कि उन मूर्तियों को कैसे मैं व्यक्त करूँ, लेकिन आए इनको तो नहीं जानते, पीछे खड़े हैं सौमेंद्र, इनको कम पहचानेंगे आप शायद, इनका नाम सौमेंद्र है, सौमेंद्र ये हमारे परम मित्र भी है। दर्शन हो गया, सौमेंद्र साहब जी हैं, हम दोनों लोग साथ में आश्रम में रहे। आप कम पहचानेंगे आप इनको, वो फोटो खींचे वो धनेंद्र है छोटे, तुम कब आए थे? देवेंद्र गुरुदेव जी के साथ आया था, जो गुरुदेव जी का प्रोग्राम हुआ था तब आए थे। बहुत बढ़िया है, एक अविनाश साहब के नाते कई अविनाश पैदा करके चले गए, बहुत बढ़िया। हमारे तो बहुत नजदीकी साहब रहा बैठे, उनकी समय समय के शिक्षा और समय समय पर मेरी सेवा उन्होंने बहुत कर डाला। करेली में रहा, करेली में छठे गए तो यहाँ पक गया, तो सेवा करने वाले जनता छत्तीसगढ़ में तमाम है, लेकिन साहब अपने हाथे उठाए बैठा है, कहे साहब की सेवा पोगरी करेंगे। करेली उदयराम, उदयराम का जगदीश बाद में, तो साहब बहुत समय कम नहीं है। हाँ हाँ समय कम ही है, क्योंकि आगे फिर वो प्रोग्राम इतना बंधा हुआ है, उसी समय नहीं मिल पाता ना। अभी जो सोचा कि कम से कम दर्शन तो कर लें आपका। नहीं बोल, अरे हमारे का दर्शन दे दिए सबसे सही, बहुत ना आते तो हमको थोड़ा सा खाटा पड़ता, तो साहब आए नहीं। दो दिन पहले साहब कहा थे, जब आप कहा आए तो कहा साहब आप हमारी मिट्टी कई दिन छुट्टी हुई। हाँ ये जो और सत्येंद्र साहब, हाँ और सौमेंद्र है और धनंजय साहब और धनेंद्र, धनेंद्र सौमेंद्र और धनेंद्र, इनका नाम पहले क्या नहीं, इनका नाम श्यामलाल रहा है, नाम रहा है पहले साहब जान गया, उनका नाम धनंजय था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम जब जाते रहे तब से ब्रह्मचारी रूम में रहे हूँ। हाँ हाँ अच्छा, रहे तो ये साहब जी गए नहीं होंगे, कहाँ था जी? वहाँ गए सर जी, गए बहुत बार गए जी, मतलब 2006 से आया गया था तो जी गए हैं बहुत बार। हमारे साथ 3-4 साल की सेवा, हम समाधि में आपकी सेवा में ये भी स्मरण रहा कि गिनी नगर स्थल आए थे जी जी, तो मैं ऊपर जो गया बैठा हूँ आप बैठे में, तो हुआ कि सेवा आपने कहा कि साहेब जी मैं सेवा घनी प्रकार कर पाऊँगा,
लेकिन बढ़ाना बढ़ के नहीं करूँगा क्योंकि हमारे ऊपर इतना बोझा है कि उसको ढील से बने नहीं गए। लेकिन आप इलाहाबाद चलें, मैं आपका जो होगा वो करूँगा। आप कई बार हमसे कहे इस बात को वो मुझे बोला था नहीं, अभी भी मैं मूर्ति से कहा कि अगर इशारा पा जाए तो गाड़ी लेके जाएंगे। इतनी सुर चर्चा आपने कर दिया कि समय समय पर आ गया। नाम है नहीं दूर है, हर प्रकार से आप संतों की कृपा है, यथा उचित और अनुसार और बोली स्वभाव के अनुसार सुख सेवा मिल रहा है। बढ़िया। इस समय आपकी शैली कुमार क्या हुई होगी अभी आपके उम्र? उम्र साहब मुझे तो नहीं याद हुआ, लेकिन अभिलाष उनके विमल साहब चाहे सौ होता है। विमल साहब का? हाँ जी हाँ। आप साहब के बड़े थे कि छोटे रहे? हम उनसे 2 साल के छोटे रहे। अच्छा। और एक ही महीने भेज दिए। अच्छा। सन 48। अच्छा। गांधी जी का शरीर छोटा, गोली लगा, उसी दिन हम घर से निकले। अच्छा। और 2-3 साल के पहले जाते जाते रहे और वहीं 10-15 रोज के एज गए। अभिलाष साहब मोटे साहब से भेज दिए थे, यहाँ आके बुढ़ानपुर गए। जी। 1 महीना रहे लौटी है और 1953 में अभिलाष साहब आए। 52 ऐसा समय उनका लेख सहनधीर बाड़ी और स्त्रीलिंग पुलिंग राजमुवाद पे इतना ध्यान है कि हद हो गया है। बड़े बड़े विद्वान लोग तरसते हैं जी। और वह चित्र हमारे इलाहाबाद में धर्मेंद्र ने अपनाया है। सब मूर्तियाँ बनाए हैं लेकिन एक बहुत कोई कहा कोई। और सत्येंद्र साहब शुरू से जैसा लगे हैं स्थान की रक्षा में एक इंच पीछे नहीं आए, नहीं रहा आगे आगे। ऐसे साथी चाहिए था। और गुरुश्रीम दास को अर्पण है ये। और जो आ रहे हैं आपके तेज स्वभाव से उसी में ढल रहे हैं। अच्छा सा है, अब पानी वानी पिया जाए। बड़े नाते खड़ा रहे पड़ा। नहीं अब बैठे रहे, बैठे हाँ हो जाओ। बहुत अच्छा थी, बहुत अच्छा थी। अंतिम में दर्शन दिए, अंतिम जरूर रहा, अंतिम अवसाद मान लिए। और छोटे
ये वो तपस्थली जहाँ पर सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी रहा करते थे, बढ़हरा कबीर आश्रम। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी जहाँ रहा करते थे। हम लोग जब गुरुदेव जी के साथ आए थे साहब जी, तो यही निवास था गुरुदेव जी का, अलमारी यही थी। अच्छा, एक जमाना था जब इस आश्रम का जलवा था साहब। हाँ सर, हाँ यहाँ सदगुरु श्री राम सुरत साहब जी रहा करते थे इस रूम में। अच्छा, इस रूम में सदगुरु श्री राम सुरत साहब जी निवास करते थे, जो आज वीरान पड़ा हुआ है, फरसा रखा है यहाँ बस। परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के प्रवचनों में है जो हम सुना करते थे, कि बांस का बगीचा, बांस की भिट्ठी, बढ़हरा आश्रम में तालाब, ये वो तालाब है, आप देख रहे हैं कबीर आश्रम बढ़हरा गोंडा उत्तर प्रदेश। कबीर पंथ का ये बहुत ही पुराना आश्रम है। सदगुरु श्री राम सुरत साहब जी, जो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के गुरु हैं, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, सदगुरु श्री विमल साहब जिन्हें भंडारी साहब के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में सदगुरु श्री निहाल साहब जी कोठारी साहब, और वर्तमान में परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के स्थान पर विराजमान संत श्री धर्मेंद्र साहब जी। आज प्रयागराज इलाहाबाद से चलकर यहाँ श्री साहब जी के दर्शनार्थ हेतु आए हुए हैं। पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। मैं आज से
कई वर्ष पूर्व गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के साथ जब यहाँ आया था तब देखा था कि ये सारे सामान वस्तुएं आज जैसे दिख रही हैं वैसे ही उस समय भी थे। गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी यहाँ घुमाए थे और बताते थे कि हम यहाँ ऐसा करते थे, हम ये करते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ भोजन करते थे, यहाँ सोते थे। नहीं गया